हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 फायर एंड सेफ्टी के जो कॉलेजेस या फिर जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको कॉलेजेस या फिर इंस्टीट्यूट बताने वाला हूँ तो उसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप जो है वहां पर जाकर उसको डिटेल में जो है वो आप जान सकते हो। तो सबसे पहला कॉलेज है यहाँ पर नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। तो यहाँ पर जो है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो है एकेडमीज में आप जाते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है बीई फायर इंजीनियरिंग, यानी कि फायर इंजीनियरिंग में जो है आप यहाँ पर बीई कर सकते हो। और अगर आपने इस कॉलेज से फायर इंजीनियरिंग अगर कर ली है तो आपको जो है अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल सकता है, और साथ ही साथ जो है इसकी काफी ज्यादा वैल्यू है। यहाँ तक कि आप बाहर के कंट्रीज में भी इस कोर्स की मदद से जो है आपको अच्छी खासी सैलरी और अच्छी खासी जो जॉब है वो मिल सकती है। अब इसकी जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप डिटेल में भी जान सकते हो। अब यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट अस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर जो है इसका एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, टाकड़ी, फदिर रोड, राजनगर, नागपुर, जो यहाँ पर 4400013 है। और यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स भी जो है वो दिए गए हैं, मेल आईडी भी जो है वो दी गई है, यानी कि अगर आपको कोई अगर क्यूरी है तो आप जो है यहाँ पर इस मेल आईडी के ऊपर जो है मेल कर सकते हो, या फिर आपको एडमिशंस के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप जो है ये कॉन्टैक्ट नंबर पर भी बात कर सकते हो। फिर उसके बाद है कि अगर आप ये कोर्स अगर नहीं कर सकते हो तो आपको जो है फायर या फिर सेफ्टी के अदर कोर्सेस भी जो है आपको ऑफर किए जाते हैं। अब ये दूसरी वेबसाइट है, यहाँ पर जो है ये है नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर जो है कई सारे जो है सेफ्टी कोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी एंड हजार्ड मैनेजमेंट, जो 1 साल का है। और यहाँ पर जो है 10वीं क्लास अगर आपने की है या फिर उससे अबव में तो आप जो है यहाँ पर इसके लिए एडमिशन ले सकते हो। फिर उसके बाद है डिप्लोमा इन फायर सब ऑफिसर, तो ये भी जो है ये 1 साल का है। तो इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास मिनिमम 12वीं या फिर आईटीआई या फिर उसके इक्विवेलेंट जो है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद है डिप्लोमा इन असिस्टेंट फायर सर्विस ऑफिसर, वो भी कोर्स है। डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, वो भी कोर्स है। उसके बाद है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, यानी कि एडीएस का जो डिप्लोमा है वो भी जो है आपका 1 साल का जो रहता है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, जिसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास बीएससी या फिर इंजीनियरिंग का कोई भी डिप्लोमा, बी या फिर बीटेक जो है वो आपने करना चाहिए। और भी जो है कई ज्यादा जो है यहाँ पर सेफ्टी के जो कोर्सेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो तो उसके अनुसार आप जो है यहाँ पर इस कोर्स के लिए जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर साथ में जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, यानी कि अगर आपको कोई अगर क्यूरी है तो आप जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी जो है इस कोर्स के बारे में जो है जानकारी ले सकते हो। फिर उसके बाद का जो है थर्ड है यहाँ पर, वो है दिल्ली कॉलेज ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो इनके भी जो है कई सारे जो है सेफ्टी कोर्सेज जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट अस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर जो है इनका एड्रेस जो है यहाँ पर दिया गया है, और साथ ही में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और मेल आईडी भी दी गई है, यानी कि अगर आपको कोई अगर क्यूरी है कुछ कोर्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप जो है इनको कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो। फिर उसके बाद है कॉलेज ऑफ फायर टेक्नोलॉजी। तो इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है कुछ इस प्रकार है, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर जो है इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। अब जो है इस कॉलेज की यहाँ पर जो है ये मेल आईडी दी गई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है ये दिया गया है, यानी कि जो है अगर आपको कोई अगर क्यूरी है तो आप जो है इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब ये जो कॉलेज है ये है गुजरात में, यहाँ पर जो है इस कॉलेज का जो कैंपस है इसका जो फुल एड्रेस जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस है उसका भी जो है यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर्स और मेल आईडी भी जो है वो दी गई है। उसके बाद है पैसिफिक यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर भी जो है फायर एंड सेफ्टी के जो है कई सारे जो है कोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब इसका जो है आप यहाँ पर एड्रेस भी देख सकते हो। तो पैसिफिक जो यूनिवर्सिटी है ये आती है उदयपुर, राजस्थान के लिए। तो यानी कि अगर आप राजस्थान में अगर कोई अगर बंदा है तो वो जो है उनको अगर कोर्सेस करने हैं तो वो जो है इस यूनिवर्सिटी से जो है फायर एंड सेफ्टी के जो है कोर्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट नंबर्स भी जो है और मेल आईडी भी जो है वो दिए गए हैं, यानी कि सबसे पहले जो है आप यहां पर कांटेक्ट करके या फिर मेल आईडी के ऊपर जो है आपको अगर कोई क्यूरी है तो आप जो है उसके बारे में जो है उनके साथ बात कर सकते हो।
फिर उसके बाद जो है यहाँ पर है NIFS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो है आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको जो है इसका यहाँ पर एड्रेस जो है वो देखने को मिलता है, जैसे कि इसका हेड ऑफिस जो है वो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। फोन नंबर जो है और मेल आईडी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि अगर आप आंध्र प्रदेश से अगर बिलोंग करते हो और अगर फायर एंड सेफ्टी के बारे में अगर कोर्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए या फिर कोई कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो आप जो है इनके साथ जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कई सारे जो है इनके जो है कोर्सेज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हो सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कसर। यहाँ पर भी जो है सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग का जो है वो कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसका भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो है इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करके जो है और भी जानकारी ले सकते हो। फिर उसके बाद है यहाँ पर ग्रीन वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। जैसा कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको सेफ्टी डिप्लोमा के जो है कई सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ निबोश का जो है या फिर आयुष का भी जो है वो कोर्स प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने जो निबोश IGC का जो सर्टिफिकेट लिया था वो इसी इंस्टीट्यूट से जो है कंप्लीट किया था। तो आप जो है इसके ऊपर भी जाकर जो है विजिट कर सकते हो और कोर्सेज के बारे में जो है और भी जानकारी ले सकते हो। अब यहाँ पर जो है इनकी कई सारी जो है ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आप कई सारे जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आप निबोश का कोर्स या फिर आयुष का कोर्स अगर करना चाहते हो तो आप जो है आपके नियर बाय में जो भी अगर सिटी है तो वहां से जो है आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इनका जो है यहाँ पर एड्रेस भी जो है वो दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर फोन नंबर और मेल आईडी भी जो है वो प्रोवाइड की गई है, यानी कि अगर आपको कोई अगर क्यूरी है तो आप जो है डायरेक्ट इनके साथ जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद है नीस्ट इंस्टीट्यूट। तो नीस्ट इंस्टीट्यूट जो है ये भी जो है निबोश और आयुष के जो सर्टिफिकेट रहेंगे वो जो है यहाँ पर प्रोवाइड जो है वो करते हैं। तो यहाँ का भी जो है एजुकेशन जो है वो काफी अच्छा होता है, आप जो है इनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करके इनके कोर्स के बारे में जो है यहाँ पर और भी जो है जानकारी ले सकते हो। और इनके साथ अगर आपको जो है कांटेक्ट करना है तो ये यहाँ पर कॉल भी जो है आप कर सकते हो, मेल आईडी भी जो है यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर मैंने आपको जो है यहाँ पर जो है टॉप 10 जो है फायर एंड सेफ्टी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट के बारे में बताया है। पर भी जो है आपको फायर एंड सेफ्टी का जो कोर्स करना है तो सबसे पहले जो है ये वेबसाइट या फिर इंस्टीट्यूट जो है इनके साथ जो है आपको सलाह मशवरा करना है, बातचीत करनी है और इसके बारे में जो है फुल डिटेल्स लेनी है। और फुल डिटेल्स लेने के बाद ही जो है आपको आपकी एडमिशन की जो है आगे की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर करनी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों अगर आप HSC स्टडी गाइड को सपोर्ट करना चाहते हो और हमारा जो मनोबल है वो और भी बढ़ाना चाहते हो तो अभी जो है हमें YouTube की तरफ से जो है अभी ये जो थैंक्स का बटन आप यहाँ पर देख रहे हो जिसे सुपर थैंक्स कहते हैं ये अभी हमें मिल गया है। ये सुपर थैंक्स के ऊपर क्लिक करके जो है हमें जो है आपके हिसाब से जो है सपोर्ट कर सकते हो। तो जैसा चाहे वैसा आप जो है हमें सपोर्ट कर सकते हो और हमारा जो मनोबल है वो और भी बढ़ा सकते हो ताकि हम HSC रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो और भी ज्यादा आपके लिए लाते रहे।